नाबालिग इस कदर डर गया कि उसने किसी और के घर में शरण ले ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। नाबालिग को काम के बहाने बिहार से लाया गया था। जयपुर में जबरन बाल श्रम करवाने का मामला सामने आया है। कमलेश नाम के शख्स ने चूड़ी लाख का काम करने से इंकार किया तो नाबालिग बच्चे की पिटाई कर दी गई। आरोपी की प्रताड़ना से नाबालिग इस कदर डर गया कि उसने किसी और के घर में शरण ले ली। दामोदर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दामोदर, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी कि नाबालिग के साथ में बाल श्रम करवाया जा रहा है और ये बाल श्रम कमलेश जो करवाता था इनसे मारपीट करता, उस मारपीट के डर के मारे और कहीं किसी घर में जाके शरण ली थी देर रात को। जब सुबह लोगों ने देखा सोते हुए इसको, इससे पूछताछ की तो इसने सारी घटना बताई कि मेरे साथ मारपीट करता है, खाना नहीं देता ये। उसको लेकर लोगों ने आमेर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को थाने लेके आई और जहां ये काम करवाता वहां मौके पर पहुंच पुलिस ने दो बच्चों को और वहां से अपने हिरासत में लिया और जो कमलेश था कमलेश को भी हिरासत में लेके थाने लेके आई है और उससे अभी पूछताछ कर रही है। इसको लेकर पुलिस ने बाल श्रम विभाग को भी सूचना दी है कि जिससे कि बच्चों को इनके निवास स्थान पहुंचा दिया जाए और बाल श्रम करवाने वाले आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। जी हाँ, डर के मारे बच्चे ने दूसरे के घर में शरण ली। इस बच्चे को लेकर अब प्रशासन का क्या कदम है? अब इसे कहाँ भेजा जाएगा? ये कहाँ का रहने वाला है? इधर कैसे पहुंचा? पुलिस ने इसकी जानकारी जुटाई है क्या दामोदर? देखिए, पुलिस उनसे पूछ रही है तो जो कमलेश आरोपी है वो उन्होंने कहा कि इनके माता पिता ने खुद ने ही भेजा है, बोले ऐसे क्योंकि वो कर्जे से वो रहते हैं और बोले कि घर पे ये कह के लेके आते कि ज्यादा से ज्यादा इनको 4-5 घंटे काम करवाएंगे। लेकिन इन बच्चों से कमलेश देर रात 2-2, 3-3 बजे तक काम करवाता था और ना खाना देता था इनको, कभी खाना देता है कभी नहीं देता, पिटाई और करता, जैसे सोने की स्थिति में आते इनको मारता था, बोला कहाँ करिए आप। इसको लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए दामोदर। अभी पूछताछ चल रही है और उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी।